गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय इन दिस ब्यूटीफुल व्यू। थैंक्स। ये तुम लोगों ने कभी ट्राई किया या फिर ये हमारे पहाड़ में ही मिलते हैं? इसे फैन बोलते हैं। तुम लोग क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। दिल्ली में पहाड़ में क्या, दिल्ली में है, खाते हैं लोग फैन पैटीज जैसे तो होते हैं। हम लोग तो यहाँ बहुत शौक से खाते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और मम्मी ने मेरे लिए मैगी भी बनाई है। भाई क्या सुंदर मौसम हो रहा है। प्लान ये है कि कल हम जा रहे हैं दिल्ली को। एंड सुबह सुबह चाचा जी फिर से गिरे। हाँ, एक जो कल वाले व्लॉग में मुझे वो नहीं कह रही थी कि मेरे बाल वैसे हो रहे हैं अंग्रेजों की तरह, वो पता है कितने ऊपर से सुबह सुबह गिर गए और उनके सुबह सुबह आठ टाके आए हैं यहाँ पे। में भी बताओ तो दशा आ रखी थी उनके। बाप रे, आज तो अम्मा ने हमें डरा ही दिया। अम्मा गिर गई अभी जाके। वह अम्मा क्या करने गए थे आप? अम्मा लाने गई थी मिर्ची। मिर्ची लाने गई, वो भी इतनी धूप में चल दी अपनी डंडी उठा के बस। हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला, हमें साइड वाले घर से पता चल रहा है अम्मा गिर गई। फिर हम भागते भागते गए हम अम्मा को उठाने के लिए। हाँ देखो कितने लोग आ गए वहाँ पे, भागते भागते धड़ाम से गिरी। तो आप गई क्यों? किसी को बताई देते, मैं चल लेती आपके साथ। कोई ले जाती ना फिर अपने साथ। धार से गिर गई अम्मा बस। सुबह से सब गिर ही रहे हैं हमारे घर में। और पसीना पसीना हो गई अम्मा बिल्कुल। हमारे घर में सब सो गए गाइस। एंड मैं और पापा नीचे घूमी घूमी कर रहे हैं, तो मस्त लग रहा है ना, एकदम स्लीक बॉडी वाला। हेलो, ओए इसको, अच्छा इसकी कटिंग कर रखी है। कटिंग नहीं कर रही, कौन कर रहा है कटिंग उसकी? नहीं कर रही कटिंग, अलग से नहीं लग रहा, थोड़ा गर्दन से इसके बाल अलग नहीं जा रहे इसके मुंह से। भोटिया कुत्ता, भोटिया कुत्ता है, हैं पंडित जी? भोटिया कुत्ता है, पता नहीं किसका है। यहीं बैठा है तब से बस। वैसे ही बैठा है, है अच्छा लग रहा है, खतरनाक सा। हाँ, भोटिया कुत्ते हमारे ये तो, ये लेकिन ओरिजिनल भोटिया नहीं है गाइस, तुम लोग को मैं डुप्लीकेट है। नहीं, ओरिजिनल भोटिया एकदम ऐसे होते हैं, ये डुप्लीकेट सन्नी देओल है, बड़े से हेरी से एकदम और शेर जैसे, पर बहुत हेरी होते हैं भाई। हम बोर हो रहे थे तो हम नीचे आ गए। पापा तो बनियान में ही घूम रहे हैं यहाँ पे। बनियान बॉय, अरे यार कितना सुंदर लग रहा है, वाह यार। हाँ, मजा आ जाता है ये व्यू देख के ना। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, कल सुबह ही निकल जाएंगे हम नोएडा वाले हम। देखो ये जय हो मेरी माता का मंदिर पे, जय किया आपने, हमेशा जय करते हैं, गुड बॉय। आज हमारे बूबू यहाँ से गिर गए थे। पापा बताना कहाँ गिरे, कहाँ से? हाँ, अम्मा भी तो गिर गई थी अभी यहाँ पे, हमारी अम्मा। देखो ये जगह सामने की, देखो वहाँ ऊपर जो ऊपर से आया, ना ना सीढ़ी में नहीं, सीढ़ी के साथ से, हाँ सीढ़ी के साथ से, और यहाँ सर लगा, देखो यहाँ पे, बाप रे, ये यहाँ नीचे जमीन पे ये लगा सर, वहाँ से यहाँ गिर गए। गाइस हमारे खेत में भिंडी देखो कितनी बड़ी है। खैर ये वाली भिंडी हम खाते नहीं है, इसको बस अपने बीज के लिए रखा हुआ है, जब ये पूरी पक जाएगी बढ़िया से फिर इसका बीज फिर से लगा के हम फिर से भिंडी उगाते हैं। बाकी जो नॉर्मल साइज भिंडी है वो तो हमने खा ली, आज ही खाई है। और इसको हम बस उसके लिए रखते हैं, बीज के लिए। और ये है पालक। पालक पालक नहीं है ये, तो अरबी है। अरबी ऐसी होती पालक? पालक वो है वहाँ पे, वो चतैया वगैरह घूम। पालक के पत्ते इतने बड़े बड़े तो होते हैं, कुछ गलत कहा क्या मैंने? और ये देख, ये है भिंडी है, ये तो भिंडी का फूल हो रहा है। ये देखो हेरी भिंडी, ये फूल भी आता है भिंडी के उसमें, बताओ। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, और जब मुझे ये बात पता चलती है तो तुम लोग को कितनी पता चलती है। तुम लोग को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ये हल्दी है, बताओ इतने बड़े पत्ते क्या करेंगे हम? हल्दी निकलती नीचे से, ऊपर इतने ज्यादा पत्ते आ रखे। अम्मा ने उगा रखे ये सब, बताओ गांव के लोग कितने वो होते हैं ना एक्टिव, बताओ। हमारी अम्मा भी कितने 75 प्लस तो होंगी, तोरी 75 के आसपास होगी, बताओ इतनी जान है अम्मा में, पूरा
सिस्टम बिठा रखा है यहाँ पे पूरा। तोरी है, भट है, तिल है, देख तिल का पेड़ भी यहाँ पे, देख ऐसे तिल होते हैं यहाँ पे, देख कितना सुन। ओए क्या हुआ, डराती है तू ये, उई उई करते ना हमारे घर में, मुझे समझ नहीं आता उई क्या होता है। ये है ना, ये क्या तोड़ दिया आपने, अम्मा को बताऊंगी बहुत मारेंगे आपको। इसके अंदर ये तिल का पेड़ है, तिल तो वो ये देखिए, दे दे दे, तिल देखो जो काले हो जाते हैं तिल, एक वाइट तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, ये देखो ऐसे होते हैं छोटे 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 छोटे। भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था ऐसे ऐसे बनते। अरे तुझे क्या नहीं पता, इसमें से फिर तेल निकलता है ना। हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, देख वाओ ऐसे निकलता है। फिर ये काले कैसे होते हैं, लेकिन आई हाय खा मत, अभी वो पके नहीं है। अरे काले पक्के हो जाते हैं धीरे धीरे, वो सूख जाते हैं, सूखने में इनको फिर इनको छील छिला के फिर काले सफेद तिल निकलते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था यार, आज फर्स्ट टाइम पता चली है कि तिल ऐसे निकलते हैं। पापा आपको तो बहुत कुछ पता है यार, कुछ की ब्रीड काली हो जाती है, कुछ की ब्रीड व्हाइट हो जाती है, बहुत कुछ क्या पता है, देखते देखते पता चल गया, जैसे तुम्हें पता चल रहा है। हाँ ये आम का पेड़ है, संतरे का है, ये आम का है ना हमारा, कितने आम खाए हमने, बाप रे हम यहीं से आम खाते हैं। याद है नहीं तो पहाड़ों पे हर चीज नहीं होती, जैसे यहाँ पे गर्मी है थोड़ा सेब नहीं होते यहाँ पे। हाँ वो अलग पहाड़ होते हैं जहाँ पे सेब आते हैं, वो कश्मीर में होते हैं। नाशपाती होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गर्मी है ना, यहाँ पे एकदम वो एकदम पूरे टाइम ठंडा नहीं रहता, 24/7 यहाँ ठंडा नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ सर्दियों में ही सर्दी रहती है, वरना गर्मी होती है यहाँ पे, उतनी नहीं होती जितनी दिल्ली नोएडा ये मुंबई मुंबई में होती, उतनी नहीं होती, यहाँ रहता बढ़िया ही है, लेकिन होती है यहाँ पे गर्मी। ऐसे जैसे कुछ पहाड़ में नहीं होता एकदम 12 महीने बिल्कुल सर्दी, अच्छा ठंडा ठंडा माहौल रहता है, वैसा नहीं होता यहाँ पे। भाई साहब इतनी तेज बारिश हो रही है, धुंध चालू हो गई भाई, दिख ही नहीं रहा प्रॉपरली कुछ। भाई देख रहे हो कैसी तड़ 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 बारिश गिर रही है, और भाई ऐसी आवाज़ें आ रही, मैं तो डर गई बिल्कुल। अभी यहाँ धूप आ रही थी, अभी बारिश होने लगी, वो भी इतनी तेज। एक्शन। इसके फोन आ रहे हैं भाई, इतनी देर से यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश के बाद यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, उसके बाद भाई यहाँ लाइट चली गई है, अब 2-3 घंटे से यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और हम लोग अब अंधेरे में डिनर करने जा रहे हैं, और हमने यहाँ कैंडल घुंडल जला रखी है, और फुल गांव वाइब्स आ रही है गाइस। एनीवेज आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर, इफ यू एंजॉयड इट मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।